आई थिंक हम लोग ने बस इंजॉय किया, जैसे कहते हैं कि वी हैड अ ब्लास्ट, काम के तौर पर नहीं देखा इसे, वी सॉ इट एज जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स एंड हैविंग फन, एंड आई गॉट टू नो हर एंड राजीव, आई नो देम बिफोर बट आई गॉट टू नो देम मोस्ट ड्यूरिंग दिस एपिसोड। इनकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके निजी जिंदगी के जो सीक्रेट्स इन्होंने बताए, चाइल्डहुड के कुछ सीक्रेट्स बताए, वो सुनकर अच्छा लगा। जो इमेज इनका था, जो मैं इनके बारे में जानती थी, मेरा इमेज थोड़ा बदल गया आपको लेकर। और राजीव तो बहुत अच्छे होस्ट हैं, इट वॉज वेरी नाइस वर्किंग विद हिम, यू नो फील्डिंग इज क्वेश्चन, ऐसा कहीं लगा नहीं कि ये काम चल रहा है, जस्ट फेल लाइक फ्रेंड्स वर हैविंग अ चैट। दैट वाज द बेस्ट पार्ट आई थिंक, क्योंकि उसने हमें तो काफ़ी मतलब ग्रिल किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और काफ़ी सवाल किए, काफ़ी ग्रिल किया, लेकिन हमारी जब बारी आई तो वो थोड़ा हड़बड़ा से गए, एंड दैट वाज फन वॉचिंग हिम बी सो स्वीटली एंड ऑनेस्टली डिप्लोमैटिक and just drink up all the shots, that was part of the shirt. वो हमें हमारे कोई भी सवालों का जवाब दे नहीं पाया, मतलब एक दो सवालों के जवाब दिए, पर बाकी सब उन्होंने शॉट्स में निपटा दिए। और उनके ना बोलने पर भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हमें। बिल्कुल। तो मैं तो वेट कर रहा था वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कहाँ गए, शायद वो घर चले गए अपनी बीवियों से मिलने, और उनकी बीवियाँ बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, रात भर सोने वाले हैं, रात भर जागने वाले हैं। मुझे वो क्रिकेट गेम बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट थोड़ा एजुकेटेड था। हाँ, द मोस्ट एजुकेटेड पार्ट ऑफ द शो, एक्सेप्ट मुझे वो सारे नाम याद नहीं है फिलहाल, पर आप सब इंजॉय करेंगे जब आप ये एपिसोड देखेंगे, तो देखिएगा जरूर। थैंक यू।